एक तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, साउथ कश्मीर से कुछ हमने अहम हमारे जो अहदेदार हैं उनको बुलाया है और गांधरबल से बुलाया है, ताकि हमारे अपने जो हमारे वर्कर हैं, कारकुनान हैं, उनको ये हिदायत दें कि जो आने वाली यात्रा है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो यात्री हैं हमारे, वो मेहमान होते हैं हमारे, उनकी देखभाल में, उनके मदद करने में कोई कमी पीशी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी रिवायत है। और जब पूरे मुल्क में इस वक्त एक हिंदू मुस्लिम माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और मुसलमानों को जगह जगह उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है, जैसे उत्तराखंड में देखा, उनको लिंच किया जा रहा है मज़हब के नाम पे, तो ऐसे में मुझे लगता है पहले भी जम्मू कश्मीर बिलखसूस वादी एक ऐसी जगह रही है जिसने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है। और आज ये जो यात्रा हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम पूरे मुल्क को एक बार फिर याद दिलाएं कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो किसको कहते हैं। तो इसलिए हम अपने वर्कर, जितने भी हमारे वर्कर, ये उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको अपील करना चाहती हूँ कि इस यात्रा को कामयाब बनाइए और हर तरह से जो है यात्रियों की मदद कर लीजिए, उनका स्वागत कर लीजिए, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। दूसरी बात, ये मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त, उनको जो सहूलियात फराहम करते वक्त आवाजावी में, जो आम लोग हैं, जो कश्मीर के आम लोग हैं, जो असली मेज़बान हैं इस यात्रा के, उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पहले देखा पिछले साल, कई जो है बीमार वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कई औरतों के जो है उनकी डिलीवरी रास्ते में हो गई और बच्चे कहीं कहीं पर खुदा ना खास्ता मर भी गए। तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त इसकी आवाजावी में आम लोगों को जो है कोई मुश्किलात पेश नहीं आने चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू।